नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी एक वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जुपिटर एस पे लेटर लिमिट को किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो लोग मेरे वीडियोस को डेली वॉच करते हैं उनको पता होगा कि किस तरह से जुपिटर एस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना है और किस तरह से आप यहाँ पर अपनी KYC कम्प्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैंने इसका बना दिया है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं जो लिमिट आपको मिला है उसको आप अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। इसी के साथ, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई लेटेस्ट ऑफर या अपडेट आता है उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूं, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर, आप सभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जुपिटर एस के सेकंड पार्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा से किस तरह से वहां पर मुझे वीडियो KYC के बाद में बताया जा रहा था कि कुछ टाइम बाद में आपका जो लिमिट मिला हुआ वो एक्टिवेट हो पाएगा। तो समथिंग मुझे 1.5 से 2 घंटे बाद में वहां पर नोटिफिकेशन मिल गया कि आपका जो जुपिटर एस लिमिट है वो एक्टिवेट हो चुका है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी जब वीडियो कॉल करोगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटा वेट कर लीजिएगा, आपका भी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अपना जुपिटर एज एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने जुपिटर एज एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर बताया जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन जुपिटर एज इज रेडी फॉर यू। और यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट जुपिटर एज पिन, यानी हमें एक पिन क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और अपनी मर्जी से 4 डिजिट का एक पिन क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद उसी पिन को री एंटर कर दीजिएगा ताकि वो जो पिन है सेट हो जाए। उसके बाद आप एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाओगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का होम पेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर वी बिगिन, यानी शुरुआत करने से पहले ट्रांजेक्शन सिक्योरली सेंडिंग मनी रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, और मैक्सिमम जो है आप 5,000 रुपीज सिर्फ 24 आवर्स के अंदर में असेंड कर सकते हो, स्टार्टिंग 24 आवर्स में, और स्टार्टिंग 24 आवर्स में आप 5 पेमेंट ही कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ से मनी ट्रांसफर करके भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे में होम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिल जाएगा, और लास्ट में आपको हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको अपना प्रोफाइल का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जो भी बिल्स वगैरह है वो देख सकते हो। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जुपिटर एज पिन को चेंज कर सकते हो। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। फेस आईडी, टच आईडी आपको डिसेबल और इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यूपीआई आईडी डी रजिस्ट्रेशन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। अभी हम बात कर लेते हैं जो भी आपको लिमिट मिला है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो मनी को ट्रांसफर करने के सिंपली हम यहाँ स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अभी मैंने यहाँ स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मैंने अपने गूगल पे क्यू आर कोड को स्कैन कर लिया है और अमाउंट एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज एंटर कर देता हूँ एंड कन्फर्म वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देता हूँ। और ऑथेंटिकेशन परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में जा चुका है और पेमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैंने यहाँ से 2 ट्रांजेक्शन किए हैं 100-100 रुपए के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कृष्णा टेलीकॉम पर मैंने 100-100 रुपीज के ट्रांजेक्शन किए हैं। अब मेरे पास जो लिमिट बच गया है वो है 9,800 रुपीज का। तो अब बात करें इसके बिलिंग साइकिल की, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आपको मिलता है 15 दिन का मिलता है, तो इस तरह से इसका बिलिंग साइकिल वर्क करता है। तो अब मैं यहाँ पर अभी पे कर देता हूँ, तो पे करने के लिए यहाँ पे बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देंगे, क्योंकि अभी इसका बिल बना नहीं है। तो कस्टम अमाउंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं 200 टाइप कर देता हूँ एंड पे वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रिपेमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस वे पेमेंट करना चाहते हो। तो आपके पास में गूगल पे का ऑप्शन है, फोन पे का ऑप्शन है, भीम का ऑप्शन है, पेटीएम का ऑप्शन है, तो आप किसी भी ऑप्शन का सिलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सो अभी मैं इसका पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, जब इसका बिल जनरेट हो जाएगा तब मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। सो वीडियो में आपने लाइव देख लिया से किस तरह से आप जुपिटर एज में मिली हुई लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, और आप यूपीआई के बजाय उसकी रीपेमेंट भी कर सकते हो किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का यूज करके। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो देखिए अगर आप एक हाउस वाइफ है या फिर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये जो क्रेडिट लिमिट है बेस्ट साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको विदाउट इनकम प्रूफ ये लिमिट मिल रहा है। तो आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है,
तभी आप इस लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी अगर बैंक में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह बढ़िया होगी तो आपको ये लिमिट मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो कॉल के बिना भी प्रोसेस किया जा रहा है, जो कि एक तरह से बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सिबिल वगैरह भी डाउन होता है लेकिन वीडियो कॉल के जरिए आपकी KYC की जा रही है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं लिमिट मिलने के। तो अगर आप भी इस लिमिट को लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाइए, जुपिटर एज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कंप्लीट प्रोसेस कर लीजिए और इस लिमिट को यूज कीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको कितना लिमिट मिला है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।